व्यूअर्स, कैसे आप लोग? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। ये है व्लॉग शमीम फैमिली। तो अभी हम बाहर निकले हैं घर से, तो आप लोगों को दिखाते हैं हम किधर जा रहे हैं। साथ साथ हम दिखाते रहेंगे कि हम किधर जा रहे हैं, किसके घर जा रहे हैं, फिर आपको उसके घर के करीब जाके बताते हैं। फैसल बताना चाहिए पहले कि नहीं? नहीं नहीं, तो सरप्राइज देंगे। अच्छा, सरप्राइज ही रहने दो। ये कौन सा सरप्राइज है जो आप लोगों ने रखा है? व्यूअर्स के लिए। अच्छा, व्यूअर्स के लिए आपने सरप्राइज रखा हुआ है। ओके, जिनके घर जा रहे हैं उनको भी बताया कि उनके लिए भी सरप्राइज है। उनके लिए ही तो है सारा सरप्राइज। तो ये ना उनको फोन करके पूछ तो लेना था घर भी हैं कि नहीं। कोई बात, वो लोग घर पर ना उल्टा आपको सरप्राइज मिल जाए। कोई बात नहीं, सबको सरप्राइज देते देते किसी ना किसी को तो मिलेगा। या हमें या उनको, जहाँ हमें मिलेगा जो उन लोगों को मिल जाएगा। ये कौन सा? ये टूल प्लाजा लाहौर के अंदर ही है। चमरीत बाबू साबू। अच्छा, ये गुलशन रावी वाला। तो हम जा रहे हैं गुलशन रावी, बाबू साबू इंटरचेंज। बाबू साबू का इंटरचेंज है। हाँ जी, वहाँ से क्रॉस करके आगे गुलशन रावी। आगे आप लोगों को दिखाते हैं गुलशन रावी हम किधर जाते हैं। आप ओके हो? ये लगा हुआ है ना, वो हो गया है ना। ये बंद रोड वाली साइड के रोड जा रहा है ना? है ना, हम बंद रोड के ऊपर हैं। फिर इधर ही समरी ना, वो बाहर बाजार में चले जाए चौराहे वाली साइड पे, इधर इजी भी हो जाएगा। वहां से उसकी चेयर भी ले आए, वो पर्स भी एक दो देख लें, फिर आगे शायद रमजान में जाया जाए कि ना। हाँ जी, पहले आप जिधर जा रहे हैं उधर देख लें, वहां से फ्री होके टाइम मिलता है तो फिर आज जो है अपने व्यूअर्स को शालमी बाजार भी दिखाए। मम्मा कब से चाह रही आप शालमी बाजार जाएं जाएं, जो गए थे नहीं दिखाया था। नहीं टाइम ही नहीं मिला, इतनी जल्दी जल्दी हमने शॉपिंग और वो रश बहुत ज्यादा था जिसकी वजह से फिर हम लोग जो है ना वीडियो भी नहीं बना सकते। हाँ, की अजान हो गई थी और अंधेरे में आपको पता फिर अच्छा नहीं आता। तो दुकानें भी नहीं खुली। जुम्मे वाले दिन जो है ना वहाँ पर ज्यादा जो मेन जो बाहर के बंदे आते हैं ना, लोकल बंदों को वो लोग डील नहीं करते हैं। एक दफा हम लोग गए थे ना तो वो लोग कहते भाजी आपने जो कुछ भी लेना आज ले ले। उस दिन थी जुमेरात और जुम्मे वाले दिन वो कहते हैं कि जो अदर सिटी के आते हैं ना, हाँ जी अदर सिटी के जो लोग आते हैं उनको हम लोग डील करते हैं, फिर वो लोकल जो भी लोग हैं उनको डील नहीं करते हैं। यहाँ से हम लोग उनके यहाँ से इस तरफ सर्विस रोड के से गए थे, आगे जो है ना फोन करके पूछना नहीं उनसे यार, ये नहीं, रोड, ये रोड आएगा बड़ा रोड। हाँ लेकिन ये मैं अभी बाबा जाना, हम लोग इधर पीछे को है। हाँ नहीं, नहीं। इधर घूम के उधर ही आएंगे। हाँ तो वो बड़ा रोड आएगा आगे 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 आगे। नहीं है नहीं बेटा, नहीं इधर से नहीं गए थे वो, आगे है बड़ा। हाँ आगे ये क्रॉस किया था हम लोगों ने। हाँ जी वो आगे आएगा रास्ता उधर होगा। हाँ ये बात जी, उसके लिए भी आगे से हम लोग मुड़ के फिर टर्न करके वापस आएंगे ना। नहीं नहीं आगे ये टर्न। आपको यकीन है कि यही वाला रास्ता था यार? यही था, यही जाता है। पूछ लें ये ना हो है, यही रास्ता है। आर यू श्योर? हाँ चलें देखते हैं जी। फान साहब का जो गेट्स है कितना अच्छा है। शरत लगा फिर हम मामा को मुझे खाना खिलाएंगे है? अगर ये ना हुआ तो हम खिलाएंगे, अगर ये हुआ तो मैं और मामा यही है। चल अब खाना खिलाना है। पहले आइडिया तो मैंने ही आप लोगों को दिया था। हाँ जी, तो हम लोग जिधर आए हैं ये ज़रा थोड़ा सा दरियाए रावी के किनारे पे है और थोड़ा ये जो है ना ऐसे विलेज टाइप का यहाँ का माहौल है। ये भी आपको गाड़ी से दिखा रहे हैं, फिर उतर के भी ज़रा दिखाते हैं कि आज हम लोग किधर किसको मिलने के लिए आए हुए हैं। हाँ जी बस, यहाँ सारे बच्चे हैं। हाँ जी, तो ये हम मिलने आए हैं जी अलीजे को। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं मिल रही हूँ फैमिली शमी फैमिली ब्लॉग से। तो ये है बेबो की भांजी और मेरी भी भांजी। तो आज हम आए इधर क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं, वो बच्चों को चोट लगी थी तो मैं आ नहीं सकी, मैं गाँव में थी। तो आज मैं आई, तो आज मैं इधर आई। हमजा को हाँ मम्मा के उसकी बैंडेज वगैरह करवाने गई हैं क्या?
ये आ गई हैं जी अनीजा की मम्मी। मैं बाहर गई हुई थी, अभी अभी आई हूँ। माशाल्लाह आप देखते हैं आंटी शमीम का व्लॉग। ये है हमारी बहन, बहुत प्यारी प्यारी। तो मैं ये बाहर गई थी तो मैंने कहा मैं क्यों ना फटाफट बहुत अभी ले लूँ साथ में। क्यों आप ले क्यों आई नहीं लेके आई क्यों नहीं चला दो। और ये हमजा, इसकी बाजू को चोट लगी थी तो मैं आई। ये कैसे गिर गया था, क्या हुआ? गिरा था, नीचे गिरा, खुद ही भाग रहा था। अभी कितने दिन बाद उतरेगी? अपना वजन ही पड़ा इसका, के बाद क्या है उतरेगी? अपना ही वजन पड़ा है इसका। हाँ, खुद अपना। अधील का भी ऐसे ही, वो बाजू फातिमा जनाब इस्लामाबाद में ना मेरा भाई छोटा था तो वो रीलिंग कर रहा था, गिरा खुद ही ये वाले बाजू के ऐसे। उसका ये भी गिरा, यहाँ से टूट गया। मैंने बताया उस वक्त मैं गांव में गई थी, मेरा कुछ काम था। मैं रोजाना कह रही थी, मैंने कहा हमजा का पता लेके आऊ, तो आज मैं आ ही गई हूँ हमजा का पता लेके। जी ये हमजा शर्माता रहता है लोगों में। आंटी के साथ तो आंटी के साथ। हाँ जी, कैसा जा रहा है आपका व्लॉग अलीजे? मुझे बहुत खुशी हुई है कि चलो ना, आपका भी हो गया। और फुल तैयार शेयर हुई हुई है। मैंने नहीं पीने थे, हम ये भाई को बुलाएंगे, बाजी नहीं पी रहे तो। भाई भी नहीं पीते हैं, ये भी नहीं पीते हैं, ड्रिंक नहीं ज्यादा ना नहीं लेते हैं। मसाला अवॉइड करते हैं, हाँ सादा पानी पीने बीच में बर्फ डाल लेते हैं ना। नहीं पीनी बहुत है ना, तो हम फिर पीते जाके। आप जिधर जा रही है खूब उधर जाके एंजॉय करेंगे। और अलीजा ने बड़ा खूबसूरत सा लाइट सा मेकअप किया हुआ है। रमजान के, रमजान में पहले आ जाएंगे कि उधर रहेंगे? नहीं, नहीं। या कम को छुट्टिया काम मैंने इनकी ज्यादा नहीं मिली इसलिए। मतलब फाइव में एग्जाम के बाद जो है बहुत खुशी हुई है, क्योंकि लीजा एक आंटी इधर आई हुई है, एक आंटी के पास इसने जाना तो माशाल्लाह। वो आंटी तो अगले शहर की जो है मजे करती फिर रही है। हमारी बेबो जी आजकल कराची के टूर पे निकली हुई हैं, आ गई है सितारा के साथ। रात को आ गई, रात को आ गई ना वापस। सितारा भी चली गई ना, वो सोदिया चली गई ना, वो भी वापस आ गई। माशाल्लाह मेरा बहुत प्यारा व्यू जा रहा है बहुत। और आप जैसे मारे भी हो ऐसे ही मारे बाजी को भी आना चाहिए कि मैं इंटरव्यू सब कुछ आना चाहिए। लाइक करें, शेयर करें। बहुत अच्छे लोग आते हैं हमारी बाजी के भी, जैसे बेबो की रोशनी देखते हैं, अलीसा की रोशनी देखते हैं, ऐसे ही बाजी का व्लॉग। आपके चैनल का क्या नाम है? शमीम फैमिली व्लॉग। शमीम फैमिली व्लॉग है जी हमारी बाजी का, आप उसका भी देखें करें, बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग। आज अलीजे और शमीम फैमिली व्लॉग का जो है ना वो कमीना हो रहा है, आज मिक्स हो गया जी अलीजे का और शमीम फैमिली का। आगे आगे देखो बेबो के भी साथ आने लगे। हाँ जी बिल्कुल, आगे बेबो के इंशाल्लाह लेंगे। मैंने भी बना रही हूँ प्रोग्राम, अगर बाजी माशाल्लाह अगर आ गया ना हमारे साथ तो हम तीनों के व्लॉग करेंगे, ज्यादा मजा आएगा ना। हाँ, ज्यादा मजा आएगा, सीरियसली बड़ा फन होने वाला होएगा। हाँ जी, तो हमारे साथ चलो। प्रोग्राम तो है लेकिन अभी देखते हैं, क्योंकि ये जलसा भी हो रहा है ना, तो मैं मम्मा को कह रही हूँ फिर जो है ना गाड़ियों का मसला हो सकता है। उधर दर्स खोला हुआ है ना, हाँ तो उधर का हमारा ना मदरसे में वहाँ उनका प्रोग्राम है, उधर का प्रोग्राम है, तो वो उधर मुझे फोन कर रहे हैं कि 27 तारीख को उधर जलूस भी है, तो मैं अभी देख रही हूँ कि कैसे मैं अपना टाइम निकालूं। इधर भी है, मैं उधर जाना है, फिर मैंने उधर चले भी जाए तो मसला ये मेन जो वो जलसे वाला है, क्योंकि रात को भी हम लोग आ रहे थे, बहुत ज्यादा रश था, रोड ब्लॉक थे, इतनी गाड़ियां रास्ते में खड़ी हुई थी ना, काने में एक जलसा हो रहा था, उसकी वजह से फिर सारे रोड ब्लॉक थे। बाजी वहां पे पहुंची तो माशाल्लाह बहुत अच्छा व्लॉग आएगा फिर तो। हाँ फिर बिल्कुल, अलीजा की रोशनी भी होगी, आंटी शमीम की फैमिली की रोशनी भी होगी, थ्री इन वन में हो जाएंगे, बहुत मजा आएगा जी। तो हमारे बहन का पहले, हाँ अभी 8 दिन के बाद उतारेंगे। चलो
जुम्मे को कह रहे थे बताने के हाँ। माशाल्लाह इतना शुक्र है कि हमजा के बाजू ठीक है, पहले से बेहतर हो रहा है। आज तो जी हम लोग बने शमीम के साथ। और कौन आपके कोई साथ जा रहा है? हम तीनों जा रहे हैं अभी तो। अच्छा, जो हम लोग देखते हैं उनको तो पता है इनकी फैमिली कितनी कम है। माशाल्लाह आज देख लो हमारी फैमिली बहुत ज्यादा हो चुकी है। आज फैमिली ज्यादा होगी, आगे लोगों में हमारी फैमिली ऐसे ही होगी, ज्यादा ज्यादा बढ़ती जाएगी। हाँ, जब वहाँ जाएंगे वहाँ पर फिर ज्यादा लोग हो जाएंगे, ज्यादा लोग होंगे। माशाल्लाह जैसे जैसे हम आंटी शमीम के लोगों में आते रहेंगे, देखते रहेंगे, आपको नजर आते रहेंगे की आज कोई फंक्शन होगा तो फिर हम दिखाएंगे, करेंगे आपको साथ में बाजी ऐसे ही चलेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत अच्छा लोग जा रहे हैं और आप बहन भाई जैसे सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे ही मारे हुए लोगों में मैं बता रही हूँ कि आप आंटी को भी सपोर्ट करें, ऐसे ही देखते हैं। आंटी तो जस्ट फॉर फन काम कर रही है, अपने आप को उन्होंने बिजी रखा हुआ है। ब्लॉग तो बाजी बस बनाती रहती है अपनी, वो ना एक जरा जहनी तौर पे ना अपने आप को ये आजकल इधर से रिलैक्स कर रही है। हर इंसान की थेरेपी होती है ना, उस तरह की अपनी थेरेपी जो है ना वो वीडियोस बना बना के कर रही है। कभी जब बिजी होती हूँ कर लेते, अभी मैंने कल नहीं किया ना कोई भी, कोई भी इतना काम था, इतना काम था तो टाइम ही नहीं मिला, घर से निकले होने के बावजूद भी ना बस दिल ही नहीं ऐसा बना ही नहीं है, मूड भी नहीं बना। काम चल रहे थे ऐसे, रात को फिर 12 बजे वापस आए हैं, तभी फिर सुबह कैसे 4:40 निकले हैं। तो कुछ काम भी मैंने कहा वो चलो खत्म करें, बच्चे जुम्मा पढ़ के आए, फिर ऐसे था मैंने कहा चलो अभी आए के बारे में पता। जब मुझे पता चला कि आप लोग जा रहे हैं मैंने लोगों के साथ जल्दी हम और रात को हमारी वो एक फोतगी होगी तो सुबह उधर जाना था। अम्मी कह रही थी जो है ना वो पहले आपकी तरफ चलते हैं, मैंने कहा नहीं आपने वहाँ जाना है तो वहाँ चली चले, तो वापसी भी इनकी तरफ चलेंगे इजी हो गए, तो फिर बंदा जो है ना टाइम भी कुछ गुजारता है। जैसे ही इनको पता चला कि आप लोग कहीं जा रहे हैं, कहती जल्दी करो अभी कहीं और नहीं जाना, इधर ही चले, उसका पता कर रहा है। मैंने कहा अभी वो जा रहे हैं, फिर रमजान आ जाएगा, मेरे से निकला नहीं जाएगा, निकला नहीं जाएगा, इसलिए मैंने जी इसलिए मैंने भी बताना था आज जुम्मा था, मैंने भी जाना था जुम्मा पढ़ने, और इसी वजह से आज हम जुम्मा पढ़ने भी नहीं गए, डर नहीं लगा। बाजी आ गई और खुद हम कहीं जा रहे थे, वो तो हमको बाद में बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, इसलिए साथ साथ हम आज बाजी का भी ब्लॉग बन रहा है, बाजी के साथ ही हैं, ये देख लें कैमरे के पीछे मेरी और अलीजा की गपशप है। वो अब आपको क्या बताए जी, लीजा वो साथ में कैमरे के पीछे है, हम आगे बैठे हुए हैं जी, कोई बात नहीं पीछे भी है तो बोल जाएंगे, आवाज तो आ ही हाँ जी, इस तरह बोलेंगे तो आवाज भी नहीं आएगी। लीजा की तो आवाज ही नहीं निकल रही। हाँ जी, खुशी से बंद हुआ बड़ा बंद है। एक आंटी आ गई, एक आंटी के पास जा रही है, तो इसलिए लीजा की आवाज कब निकलेगी। वो खुद एक एनर्जेटिक पर्सनालिटी है ना, क्या पता कौन सी आंटी। हाँ ये नहीं बताना मैं कौन सी आंटी, तो नहीं बताना कौन सी आंटी के पास जाना है, ये फिर उसके मिल के बताएंगे ना कौन सी आंटी के पास है, कौन सी आंटी के पास गए हैं, कहां जा रहे हैं। वो ऐसे ना वो उनमें खुद इतनी एनर्जी है ना कि उनके साथ रह के ऑटोमेटिकली जो है बंदा बोल पड़ते हैं। अली से पहले भी जब उनके साथ आती होती थी तो ये तेरे की लाल फुल ऑन जो चल रही होती थी बोलने का, वो बातें इस तरह करती है, उनका जवाब देना पड़ता है, फिर बोलना पड़ता है। अभी भी वो हमें कहती है कि आप लोगों को एंटरटेनमेंट खूब करती हैं, करवाती भी और करती भी हैं। अभी भी वो कहती है आप हम लोगों में बोलते ही नहीं हूँ, हाँ तो गला भी बैठ के आपकी तरह कैसे बोले, असल में आसा साधन पड़ जाएंगे ना, अभी आप लोगों ने शुरू किया है ना, फिर में आपकी वो भी कहती भी बस भी अभी 25 दिन हो गए बोला जाता आप लोगों का। इस तरह चलो
उसके बाद से ना एक इंटरनली बहुत डिस्टर्बेंस हो गई थी जब से वो हुआ है ना। हाँ वीडियोस थी ना जो वो डिलीट कर दी, उसके पास इंटरनली जो है ना फिर सब लोग जो थोड़ा सा डाउन हो गए थे। फिर इतना बना तो रहे हैं वो लोग, हाँ जी, लेकिन वो जो हाँ जी अंदरूनी तौर से थोड़ा सा जो ना वो डिसअपॉइंट, जैसे मायूस नहीं बंदा हुआ होता, वैसे थोड़ा सा मायूस हुआ है कि उसने ऐसा किया। बनाना है दिल तो एक दफा ना खुश हो गया ना ऐसे करने से। हाँ लोग नहीं ना इस वजह से हो गए ना वो। हाँ जी जाते रहने में पता लगता है कि लोग कहाँ हैं। तो कोई बात नहीं जी, हमारी बाजी को भी आप सपोर्ट करते रहे जैसे जैसे हमें कर रहे हैं वैसे ही करते रहे। माशाल्लाह लोग अच्छे अच्छे आएंगे। बाजी का आंसर फेक होता है, जहाँ भी चलना ब्लॉग जरूर बनाना। हाँ जी बाजी का हमने बोलना कि जहाँ भी बैठना है ब्लॉग बनाना, बताना कि आज इधर गई थी आज इधर गई थी, ब्लॉग आते रहे बाजी के साथ। डेली जो जो भी रूटीन हो उसे अपडेट करती रहे। हाँ करती रहे ना ब्लॉग, माशाल्लाह बहुत अच्छा। हमारे तो आप देखते ही, हमारे चैनल वाले भी देख रहे हैं, हम तो कहीं भी जाते बजाते रहते हैं, इधर से आ रहे इधर से आ रहे। आपका माई फिर तानिया नाम ले रहे सारी बात है क्योंकि उनके जो है ना, मैंने आपके भी कमेंट देखे थे कि वो रेगुलर कमेंट करती है। अम्मी के भी ब्लॉग्स के ऊपर जो आती है ना, वो भी वहीं से इंग्लैंड से ना रेगुलर उनको ब्लॉग करती है। यूके से ही कह रही, वो इंग्लैंड और यूके बेटा दोनों एक ही है। पूछ रही थी आपकी वो क्या लगी ये बाजी, वो आज हमारे घर आ गई है ब्लॉग में देखना है। आप बता रही थी ना कि आप कितनी बहनें हैं, मैंने बताया कि दो बहनें, ये तीसरी बहन है जो बड़ी वाली है बाजी की बहन। आपको खूनी दो है ये अल्लाह मलाई बहन है। वो ना मुझे पूछ रही थी, बात होती है ना बात होती रहती है ना, तो मुझे पूछ रही थी कि आप दो बहने हैं, वो जो तीसरी वाली वो कौन है। वो आई मेरे घर आ गई और आपने अच्छा अच्छा मैंने एक ना एक कमेंट आपका ऐसे देखा था कि वो बेबो जी आपकी क्या लगती हैं। हाँ जी लगती है मुझे कुछ उसके साथ मेरी ना बात भी होती है ना, तो मैंने फिर उनका जो है वो नाम जो मुझे अब नाम याद नहीं है तो, लेकिन मैंने अम्मी को ये बताया था कि एक कमेंट में ना उन लोग, क्योंकि वो समटाइम होता है ना कि आप रैंडम ही सारे कमेंट पढ़ रहे होते हो और आंसर दे रहे होते हो, तो ऐसे ही अभी आपने जब मुझे आपने बात की है तो मुझे याद है। अच्छी उधर है तो मुझे ना उस दिन पूछ रही थी ना फोन किया था, कहती है कि आपकी वो जो आपकी उस टाइम हम लोग देखती हूँ वो कौन है। मुझे पूछा था कि वो वो आपकी क्या लगती है जी, तो मैंने फिर ऐसे मैंने कहा जो वो तो चुमरा चाहिए जी, वो भी जो असल की नस्ली होती है ना वो बेटी से मिलती जो तेरी, मेरी तो पहले दो से जो है ना 25-30 साल की ना ऐसे मिलने वाले हम अम्मा के जो भी टर्म्स हैं ना वो लॉन्ग टर्म होते हैं, शॉर्ट वाले भी होते हैं। अव्वल तो बनाती नहीं है और जिनके साथ बन जाती है वो फिर जल्दी से बनाती नहीं हूँ कि मेरे जल्दी से ये मेरी दोस्त, मैं कहती है सलाम दो रखी ठीक है, जिसके साथ बन जाती है तो मेरा लॉन्ग टाइम चलती है। ये नहीं है कि मतलब थोड़ा टाइम दोस्त ही रखी तो फिर बाद में उसकी बरियाई की, कभी अपनी की जाए ऐसे कर लू कहते कहती है मैं उसके साथ दोस्त ही रखती हूँ जिसके साथ मेरा दिल आ जाता है, ऐसे लल्लड़ पटर मैं भी नहीं बनाती। उसने फिर मुझे फोन किया था मुझे पूछी, कहती वो उसके साथ बेबो जाती है माशाल्लाह उसका डर बहुत प्यारा देखती रहती हूँ भी। मैंने कहा हाँ हमारी वो भी बहन है, कहती वो कब आएगी। मैंने कहा अगर कभी मैं गई उनके घर तो मैं आपको दिखाऊंगी, तो आज ही वो खुद ही मेरे घर आ गई, मैं तो गई नहीं हूँ। आप आती तो मुश्किल होती, हम लोग भी यहाँ पर थे, आपकी गाड़ी थी, मैं पता उसको मेरे पास तो कोई है नहीं, कन्वेंस नहीं है, लोकल आना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। बेबो आएगी तो नाल आना, जब बेबो आएगी उसके साथ मैं जाऊंगी। वो कह भी रही थी ना बेबो, वो कह रही थी कि मैंने आना है ना, प्लान करूंगी लाहौर का,
ये तानिया जी, ये मेरी आपी है, आज आई हुई मेरे घर। तानिया ने मुझे माशाल्लाह रमजान का बाजू बताया ना, तो मैंने उस ब्लॉग में बता दिया था। तानिया ने मुझे पैसे भेजे थे कि जे मैंने रमजान के लिए भेज रही हूँ कि बेटा की मेरा बताया था मुझे बेबो ने बताया था। तानिया आप बाजी का ब्लॉग देखा करो, तो इसलिए आज बाजी आई है तो मैंने आपका नाम फिर ले लिया है ब्लॉग में। कोई बात नहीं, जो अच्छे बंदे हो उनके साथ है, उनके साथ नाम लेना भी चाहिए और याद भी रखना चाहिए और दुआ भी उन लोगों के लिए करनी चाहिए जो किसी का ख्याल रखे ऐसे, तो उन लोगों के लिए करनी चाहिए। अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती से दे, जिधर भी रहे अल्लाह ताला उसको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और अपने बच्चों के साथ भी सलामत रहे। ऐसे हर बंदे को जो है ना दुआ की जरूरत है, और पैसे तो दुनिया में आने जाने तो आने जाने वाली चीज है। जारी बात बहन भाइयों का साथ होना चाहिए, बहन भाई साथ होना चाहिए इससे वो लोग के साथ, क्योंकि अभी हम भी जाने लगे हैं, ये भी कहीं जा रहे हैं, फिर ये जाके उधर बताएंगे कि ये किधर के है, तो इसके वो लोग के साथ हम आप लोगों से जांच मांगते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे मेरी बाजी को, ठीक है। जो हमारे चैनल पे है वो इसके चैनल पे भी जाए, जो इसके चैनल पे है मेरा है शमीम फैमिली ब्लॉग, तो दुआओं में याद रखना, इंशाल्लाह हम भी करेंगे इसी के साथ। अल्लाह हाफिज़।